स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। अब बच्चों को अपने कंधों पर भारी स्कूल के बस्ते का वजन नहीं सताएगा। कश्मीर सरकार ने सभी स्कूलों को नई स्कूल बैग नीति 2020 को लागू करने के निर्देश दिए हैं। ये फैसला शिक्षा निदेशालय कश्मीर के जरिए एक कैंप लगाने के बाद लिया गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब बच्चों को अपने कोमल कंधों पर भारी बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। दरअसल शिक्षा निदेशालय कश्मीर में सभी स्कूलों को नए स्कूल बैग नीति 2020 को लागू करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इस नीति के तहत निदेशालय के अधीन सभी स्कूलों में प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के बच्चों के स्कूली बस्ते का वजन कम होगा। बता दें कि स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर के जरिए एक कैंप लगाने के बाद 10 दिनों के अंदर स्कूलों को ये निर्देश दिया गया। निर्देश में कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्राधिकारी में कार्यकारी मजिस्ट्रेट स्कूल बैग नीति 2020 को लागू करेंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा अपने कोमल कंधों पर भारी बोझ न उठाए। इस बारे में DSEK ने सभी उपायुक्त DC को एक आधिकारिक संचार जारी किया। आधिकारिक संचार के अनुसार कार्यकारी मजिस्ट्रेट अपने जिले के स्कूलों के दौरे के दौरान दिशा निर्देशों के बारे में निगरानी करेंगे, ताकि दिशा निर्देशों का सही पालन हो सके। बता दें कि 4 साल पहले भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय MOE ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल बैग के वजन के साथ स्कूलों में पढ़ाई करने के समय पर भी सख्त निर्देश जारी किए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग SED ने 2020 में केंद्र शासित प्रदेश में स्कूली बच्चों के जरिए उठाए जाने वाले भारी बैग को बोझ को कम करने के लिए जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा अधिनियम 2002 में कुछ संशोधन किए थे। साथ ही शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षा अधिनियम में 8A जोड़ दिया था, जिसके साथ सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 2 से पहली तक के छात्रों को कोई होमवर्क नहीं करने दिया जाएगा। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 सालों से स्कूल बंद रहे, जिसकी वजह से इन सभी निर्देशों को जमीन स्तर पर उतारा नहीं जा सका। हाल ही में DSEK ने कहा है कि किंडरगार्टन के छात्रों के लिए कोई स्कूल बैग नहीं होना चाहिए, जबकि कक्षा पहली और दूसरी के लिए स्कूल बैग का वजन 1.6 से 2.2 किलोग्राम और कक्षा तीसरी और चौथी कक्षा के लिए 1.7 से 2.5 किलोग्राम होना चाहिए। इसी के साथ छठी और सातवीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन 2 से 3 किलोग्राम और कक्षा आठवीं के छात्रों के लिए 2.5 से 4 किलोग्राम होना चाहिए। सर्कुलर में कहा गया है कि 9वीं और 10वीं के स्कूल बैग का वजन 2.5 किलोग्राम से 4.5 किलोग्राम और 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए 3.5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम होना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को छात्रों के स्कूल बैग के वजन की जांच की जिम्मेदारी लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलें।